हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। अभी पूरा 24 आवर्स में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। कल 8 बजे का वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि बहुत बहुत काम है। यदि आप लोगों को यहाँ दिखाऊँ तो देखो, ये मेरा काम सब चल रहा है, सब फैला हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत काम चल रहा है दोस्तों। अच्छा है ना, भगवान की कृपा से काम चल रहा है, और काम चलना भी चाहिए है ना, क्योंकि भगवान को भी मालूम है इसकी दो दो बेटियाँ हैं और उसको पालना है ना। तो बस यही है कि कल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया मुझे, ऑर्डर के काम लगे हुए हैं तो वो कर रहे हैं। और आज से तो क्लास भी चालू, अभी पिछले एक वीक से छुट्टियां थी, सावन के कारण छुट्टियां कर दी थी, तो आज शाम को 4 बजे से फिर से मेरा क्लासेस चालू हो जाएगा। और क्या बनाया आज खाने में, पहले ये बता दीजिए आप लोग। हमने तो बहुत सारा वैरायटी बना हुआ है, तो पूरा बता देते हैं। दाल, चावल, दो दो तीन तीन तरह की सूखी सब्जियां, मिर्ची, फ्राई मिर्ची, चटनी वगैरह वगैरह है ना। और अभी इसके कारण, त्योहार के कारण काफी मीठा भी इकट्ठा हो गया, लेकिन मैं मीठे को अवॉइड करती हूँ ना ज्यादातर, क्योंकि तो बात आप लोग को मालूम है कि एक एज के बाद ये सारी चीजें अपन लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए उतना ही खाना चाहिए जितना मतलब अपने शरीर को सही लगे, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है बहुत मीठा खा लेते हैं, बहुत नमक खाते हैं। तो एक एज के बाद ये सारी चीजें अवॉइड करना सीखिए है ना, क्योंकि यदि अच्छा रहना है, अच्छा शरीर रखना है, अपना स्वस्थ रहना है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। थोड़े से नियम से चलोगे तो आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, और काफी टाइम तक। अब ऐसा तो नहीं कि अमर होके तो कोई आया नहीं है, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो ऊपर जाएंगे लेकिन वक्त से पहले ना हो, बस ये है कि थोड़ा अपना ख्याल रखना। और स्पेशली लेडीज है ना, अपना ध्यान नहीं रखती है, मुझे मालूम है। वो घर गृहस्थी में फंसी रहती है अपने काम में, बस सुबह से दूसरों की सेवा करती रहेंगी लेकिन खुद के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देंगी। ये हर लेडी की आदत होती है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बट मैं थोड़ा बहुत तो कुछ अपने लिए सोचती हूँ कि अब हमारे यहाँ क्या है, योग हम इतना नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारा जो घर है ना, सीढ़ियों वाला, हर मंजिल पे दो दो कमरे, तो नीचे जाना ऊपर जाना, मतलब इतनी सीढ़ियां चढ़ उतर लेते हैं कि एक तरीके से वो मेरी एक्सरसाइज ही हो जाती है बहुत ज्यादा, उससे काफी फिट रहते हैं। बाकी तो और कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बीच में जरूर शुरू किया था लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि कंटिन्यूअसली उसको चला पाऊँ, क्योंकि सुबह से बच्चों का स्कूल, लंच और फिर वगैरह वगैरह, घर में झाड़ू पोछा सब काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ मेड लगी है बर्तन के लिए, बाकी सब काम हम लोग को ही करना पड़ता है। हालांकि हम लोग सब मिलके करते हैं, मम्मा, पापा और मैं, तीन लोग सुबह से जुटते हैं और सारा काम कर लेते हैं मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, टच वुड सबको ऐसे मदर फादर मिले हैं, जो मैं तो अपने आप को धन्य समझती हूँ सच में, कि मुझे इतने अच्छे मदर फादर नहीं है। भगवान ने वैसे बहुत कुछ छीना है लेकिन दिया मुझे बहुत कुछ अच्छा है, उससे मैं बहुत सेटिस्फाई रहती हूँ, और जो मिला है उसमें सेटिस्फाई रहो तो ज्यादा अच्छा है। सभी से यही बोलती हूँ मैं कि अपने जीवन में यदि संतुष्ट रहना सीख जाओगे ना आप, तो हर चीज में सफल होते जाओगे और एक शांति रहेगी दिमाग में। ये और ये मेरे किसी ने, मेरे फादर ने ही मुझे सिखाया है कि बेटा जो है उसमें संतुष्ट रहो, और हमेशा अपने से नीचे जो रहते हैं ना उनको देख के चलोगे तो आप जीवन में सक्सेस जरूर होगे, और अपने आप में आपको लगेगा कि हम इनसे कितना अच्छे हैं, तो बहुत खुशी भी मिलेगी अपने आप को। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा बकर बकर हो गई है, काम की बात आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी। बिल्कुल, अब आपको एक चीज भी बता देती हूँ ताकि आप लोग ये ना समझो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बोलती हूँ सबूत के आधार पर बोलती हूँ, है ना। तो आप लोग को एक दिखाती हूँ, इसके साथ ये देखा, इतने सारे मिस कॉल जो पड़े हुए हैं, ये दिख रहे हैं, ये परसों रात के हैं, और ये नंबर मेरे पास ऑलरेडी सेव था इसलिए मैं समझ गई। और ये कब आए हैं, रात को कितने बजे से, 2:35 से चालू हुए हैं दोस्तों, 2:04, 2:05, 2:07, 2:08, 2:09, 2:10, 2:20, 2:20, फिर मतलब 16:27, मतलब रात भर मुझे कॉल किए गए हैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे इतने कॉल। अब आप लोग समझो कौन कर रहा है मुझे कॉल, है ना। सिर्फ 2 बार मैंने बीच में उठाया कि कौन बोल रहे हो, जबकि मेरे पास नंबर सेव था, मैंने कहा चलो ठीक है कौन है, लेकिन वो बंदा क्या बोलता है, 2 बार में जैसे मैंने कॉल रिकॉर्ड चालू कर लिया, कॉल रिकॉर्ड चालू किया तो उसकी बोलती बंद हो गई ये पर मुझे समझ नहीं आता कितने
गंदे लोग हैं इस दुनिया में, इतना सजा और ये सब भुगतने के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं है। अपना घर परिवार नहीं दिखता, अपने बाल बच्चे नहीं दिखते, अपना कुछ भी नहीं दिखता है ना। दूसरों की लाइफ में झांकना है कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, और उठा उठा के अपने सबको परेशान करना, ये नंबर है, आप लोग देख लीजिए, है ना। और डर है नहीं है, है ना, कि केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो अपन इस तरीके से हरकत ना दें, है ना। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है ना। कुत्ते किस्म के लोग हैं, कुत्ते कमीने, है ना, ऐसे लोग हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम गाली दे रही, लेकिन ऐसे लोगों के लिए यही चीज सूट करती है, बाकी और कोई चीज सूट नहीं करती। देखो मैं सही बोल रही हूँ, अभी अर्थी निकल रही है, यहाँ से आवाज आ रही है, हे राम की, है ना। जब अपन जो बोलते हैं ना, और इस टाइम पे ऐसा कुछ भी हो तो समझ लो कि वो कहीं से भी कुछ भी झूठ नहीं है, जो है सच है। थोड़ा सा ये निकल जाए, हे भगवान सुख शांति, आत्मा को शांति देना उनकी। दिल्ली का है यहाँ से, क्योंकि मेन रोड है और ये रोड शमशान को जाती है, तो यहाँ से दिल्ली के बहुत से लोग निकलते हैं दोस्तों ये। तो चलिए उसकी आत्मा को शांति दे भगवान, लेकिन इसकी आत्मा को कभी शांति इसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलना चाहिए। जो मतलब इस तरीके से यार बहुत हद हो चुकी है, गुस्सा भी आता है यार, बहुत गुस्सा आता है। और क्या अधिकतर मैं अपना मोबाइल मतलब डू नॉट डिस्टर्ब पर भी डाल के ही रखती हूँ। उस दिन इत्तेफाक सब बच्चे छूते हैं, बच्चे भी खेलते हैं मेरे मोबाइल से, मिष्टी रही मिष्टी उठाती रहती हैं राधिका एडिटिंग के लिए, और अब तो मिष्टी भी करने लगी है एडिटिंग, देखा होगा कल उसका वीडियो। तो मेरे मोबाइल दोनों बच्चियों के हाथ में अधिकतर रहते हैं। अब उन्होंने कब मतलब उस दिन है ना इसको डू नॉट डिस्टर्ब से हटा दिया, तो वाइब्रेशन पे था मोबाइल मेरा, और अचानक से मेरी नहीं, तो वाइब्रेशन पे नहीं होता तो शायद मेरी नींद भी नहीं खुलती, और सुबह देखती कि इतने सारे कॉल्स पड़े हुए हैं। तो रात को जब नींद खुल गई तो मुझे दिमाग भी खराब हुआ। पहले तो मैं एक पल को नहीं पहचान पाई, क्योंकि ये नंबर सेव जरूर था लेकिन उसमें नंबर में नाम लिखा नहीं आ रहा था, पब्लिक कुछ लिखा ऐसा आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा शॉक हुई कि ये नंबर ऐसा लग रहा जाना पहचाना है। जब देखा तो मेरे पास तो सेव था ये नंबर, तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये बंदा। और फिर तो मैं आवाज तो कहते ना हजारों लाखों लोग में भी उस आदमी की मैं आवाज कभी नहीं भूल सकती जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कभी नहीं, है ना। कोई भी नहीं भूल सकता यार, कुछ भी नहीं, जिसके साथ जो होता है ना वो जिंदगी भर याद रखता है, भले उस चीज को अपन से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है ना दोस्तों। बहुत ज्यादा जब ऐसा कुछ होता है तो दिमाग इतना ऑफ हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा लगता है ना कि सामने आ जाए तो अच्छी जूतों से इसकी पिटाई लगा दूं, है ना। देखो अभी भी कह रही हूँ सुधर जाओ, है ना, इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं है। और फिर तुम्हारी तो सच बताऊँ ना तो कैटेगरी यही है, यही कैटेगरी है, बड़े आके मीडिया के सामने बोलना और फालतू की बातें करना, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, कि आपकी रियलिटी क्या है। जिस दिन आपके ऊपर के लोगों को यहाँ सामने लेके आ गई ना, तो सब जो जो मुंह चलाना है जो मीडिया पे आके सब बंद हो जाएगा, है ना। अभी तक मैं लेके नहीं आई हूँ, तो इस तरह की हरकत करना छोड़ दो, उसी में भलाई है, है ना। इसलिए वीडियो के वापस से बोल रही हूँ कि ये हरकतें करना छोड़ दो, नुकसान में रहोगे बहुत ज़्यादा। इसने यही तो फायदा उठाया, मैं आपको बताऊं कि हमेशा शुरू से मैं चुप रही, मैंने सोचा हो सकता है यार ठीक होगा, ठीक है यार ठीक है, क्योंकि एक तरीके से अपना इज्जत का लगता है कि अभी सब में फालतू की बातें उड़ेंगी या ये, तो इसने उस चीज़ का ही फायदा उठाया था मेरे साथ। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि एक समय के बाद एक हद तक ही लोग सहते हैं, उसके बाद नहीं सहते हैं, है ना। कहते हैं ना गाय को भी आप मारोगे ना तो एक बार तो वो भी सींग दिखाएगी, पहले तो वो सहती रहेगी सहती रहेगी। तो फिर तो हम इंसान हैं, है ना, कितनी बार सहन करेंगे, कभी ना कभी तो फिर एक्शन लेना ही पड़ता है ना। तो अभी भी वेट एंड वॉच, सुधर जाओ मैं कह रही हूँ, है ना। नहीं सुधरे तो फिर क्या होगा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मैं जो भी बात करती हूँ प्रूफ के साथ बात करती हूँ, और देख लिया ना प्रूफ है मेरे पास, कॉल तो बजे हैं, है ना। तो ठीक है ना दोस्तों, इसके लिए कमेंट जरूर करना ना कि ये घटिया आदमी कितना घटिया है, इसका क्या करना है, अब आप लोग ही मुझे सलाह दीजिए कमेंट करके कि इस आदमी का मैं करूं तो करूं क्या। सच बताऊं कभी कभी मैं थक जाती हूँ दोस्तों, बहुत थक जाती हूँ। एक औरत कितना टेंशन झेलेगी आप खुद बताइए, चारों तरफ से टेंशन में हूँ,
चारों तरफ से। बच्ची का टेंशन है, अगली साल 12th है, इस साल 12th है, अगली साल बाहर जाना है। मिष्टी का भी है, पैसों का रहता ही है कि चलो यार इतना मेहनत, क्योंकि मेहनत करूंगी तब भी पैसा आएगा, किसी के पास ये बिना कोई ऐसे आके पैसा नहीं दे जाएगा ना। तो बच्चे पढ़ाना है, बाहर भेजना, आप लोग समझ सकते हो, जिसके बच्चे यदि बाहर पढ़ रहे होंगे तो कितना खर्चा नहीं होता होगा, मतलब बाहर मतलब खर्चा ही खर्चा, रहने का, खाने का, पीने का, फीसेस का और सारी चीजों का, मतलब लाखों में रुपए उड़ेंगे हमें मालूम है। लेकिन उतना होना भी तो चाहिए ना सामने वाले के पास। उसके लिए मैं कंटिन्यूसली मेहनत कर रही हूँ कि मुझे मेरी बच्ची को पढ़ाना। ये अच्छा है, भगवान की कृपा है कि दोनों बच्चियों में गैप ज्यादा है, तो कम से कम पहले एक की पढ़ाई का सबसे ज्यादा बोझ है। जब एक जॉब पे लग जाएगी तब दूसरे की पढ़ाई, जब तक वो 12th में पहुंचेंगी, जब राधिका जॉब पे लग जाएगी, क्योंकि अभी तो मिष्टी 4th में ही है। तो ये बहुत अच्छा शुक्र मनाती, नहीं तो दो दो की पढ़ाई में कैसे कराती। अभी एक की पढ़ाई कराने में मिष्टी का होता है, लेकिन इतना खर्चा नहीं हो पाता है, मतलब 50-1 हज़ार फीस है उनकी साल भर की, और कोचिंग वोचिंग मिला के 70-80 हज़ार ही पड़ते हैं साल भर के। लेकिन राधिका के तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, मुझे मालूम है। अभी 12th में ही उनका इतना ज़्यादा फीस भराया है, कोचिंग में करीब 60-70 हज़ार रुपये तो कोचिंग में ही लग गए, और करीब 50-1 हज़ार, 50-60 हज़ार करीब फीस है उनकी, है ना, एग्जैक्ट नहीं मालूम पर अराउंड इतना ही करीब है उनका, ऐसा है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, एक अकेली लेडी के लिए इतना मैनेज करके चलना। ये अच्छा है कि मदर फादर हैं, खाने पीना सब यहाँ से चल जाता है, लेकिन बाकी के खर्चे तो मेरे को ही करना है ना। बच्चियाँ मेरी हैं तो मुझे ही उठाना है, और मैं तो बोलूंगी भी नहीं कि कोई मेरे बच्चों के लिए करे, मैंने पैदा करी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक इंसान जो था वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा और इस दुनिया से चला गया, है ना। उसने कभी भी नहीं सोचा कि मेरी बच्चियां हैं या मेरे को कुछ करना है। अब मेरी, मैं तो अपनी औलाद को नहीं भूल सकती ना, उसको जो मैं दुनिया में लेके आई हूँ तो पालूंगी भी मैं ही, है ना। किसी के आगे मैं रोने गाने नहीं जाऊंगी कि तुम मुझे पैसे दे दो या तुम मुझे ना, मेरी ये फितरत रही है ना, कभी मैं मांगूंगी, है ना। खुद की मेहनत पे मैं भरोसा रखती हूँ, और जो है वो बच्चियों के भाग से उन्हें जो मिलना होगा वो तो मिल ही जाएगा। ये है, पता है बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, सच बता रही। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती कभी भी, लेकिन बात करते करते कभी इमोशन मतलब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि, क्योंकि वो एक औरत ही समझ सकती है, जो परेशान होगी ना वो मेरी व्यथा समझ सकती है, हर कोई मेरी व्यथा नहीं समझ सकता। सबको ये लगता है हंसती है, ये सब ऊपरी है, अंदर अंदर मैं कितना कुछ तूफान लेके बैठी हूँ ना, ये कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं, जो इस परिस्थितियों से गुजर रहा होगा ना सिर्फ वो समझेगा, बाकी तो सब हंसी उड़ाने खड़े हैं कि जब देखो जब आ जाती हैं ऐसे बोलने के लिए, है ना। लेकिन भगवान देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना टेंशन में रहती हूँ मैं जानती हूँ, बहुत ज्यादा। बच्चियों को नहीं दिखाती मैं कई बार कि यार नहीं मेरी बच्ची टेंशन, क्योंकि उसको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, राधिका को बहुत बार हो चुका है ऐसा, तो मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को कुछ भी और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वैसे ही इतना कुछ चलता रहता है लाइफ में कि वो ऑलरेडी, उन्हें सब कुछ मालूम है, उनसे कुछ भी चीज़ हाइड नहीं रहती, कभी कुछ नहीं करती मैं अपनी बेटी से हाइड, सब कुछ उसे बता पता है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या मम्मी के पास है, क्या नहीं है, क्या अरेंजमेंट कर रही है मम्मी, क्या नहीं कर रही है, हर एक बात मैं उससे शेयर करती हूँ, इसलिए कि सब उन्हें पता चले और कम से कम उन्हें यह एहसास हो कि उनकी माँ कितना मेहनत कर रही है, तब जाके हमें पढ़ा रही है, ताकि वो उस चीज की वैल्यू समझे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप कितनी भी मेहनत करते रहे, माँ बाप बताते नहीं है, उन्हें कभी जिंदगी में पता नहीं चलता कि उनके माँ बाप ने उन्हें कितनी मेहनत करके कितने उससे पढ़ाया होगा, और वो उस चीज को भूल जाते। लेकिन अपने बच्चों को एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए किस हद तक मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज आप लोग भी ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को जरूर बताइए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो उनके लिए, 24 आवर्स लगे हो सिर्फ उनके लिए। आज ये बताइए, यदि बच्चे ना होते तो मुझे क्या जरूरत है ये सब इतनी मेहनत करने की, लेकिन मैं अपनी बच्चियों के लिए कर रही हूँ ना इतनी मेहनत, कौन ला के देगा ये सारी चीजें। खैर, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है दोस्तों, राधिका बहुत समझदार है, वो हर चीज हर परिस्थिति को समझती है, मेरा साथ देती है। भगवान से बस मैं इसी बात का उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान आपने कम से कम मुझे माँ बाप और मेरी बेटियाँ इतनी अच्छी दी है कि मेरी आगे की लाइफ स्मूथली कट जाएगी, बस ये है। क्योंकि
अरे ये आदमी ऐसे बने रहते तो मेरी जिंदगी तो नरक ही हो जाती सच में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं खत्म कर रही हूँ क्योंकि शायद कोई प्रोसेशन निकलने वाला है तो बहुत शोर हो रहा है ना। बाकी कहना तो बहुत कुछ था, अगले वीडियो में आप लोगों से और बात करूंगी है ना। और प्रेयर करना मेरी बच्ची यार इस साल 12th में बहुत अच्छे से निकले ताकि उसे अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छी जगह पढ़ने के लिए जाए वो। तो भगवान से प्रेयर जरूर करना मेरे बच्चों के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी।